अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये सेकंड वीडियो होगी रियल एनालिसिस के एमसीक्यूज की, और इस वीडियो में हम 10 से 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अब आज का पहला एमसीक्यूज है, वो है कि रियल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब हम जानते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। और आप और जो आर होगा वो यूनियन होगा रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नेचुरल नंबर्स आर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि ये सिर्फ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये होल नंबर्स नहीं हो सकते, इवन एंड ऑड नंबर्स नहीं हो सकते, इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल देखें, नेचुरल नंबर में वन आता है, ठीक है। अब वन को हम किस तरह लिख सकते हैं, वन ओवर वन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो वन ओवर वन है इसकी फॉर्म में, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, यानी पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ये जब ये वन है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जो नेचुरल नंबर होंगे ये क्या हो गए, ऑलवेज रैशनल नंबर होते हैं और तमाम रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। यानी ये रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर हो सकते हैं लेकिन तमाम रैशनल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फॉर पी एंड क्यू इंटीजर रैशनल नंबर्स। अब पी और क्यू हमारे पास दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि पी और क्यू पर रैशनल नंबर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, पी बटा क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या होती है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। जैसे कि ये मैंने लिखा था ऊपर कि वन इज इक्वल टू वन ओवर वन, जब जो वन है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। इसलिए अब जो डेफिनेशन यहाँ पर उसने बताई हुई है वो है पी बटा क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका जो थर्ड का बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी फॉर ए बी बिलोंग टू फील्ड इज। अब जो ये लॉ था वो क्या कहता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन ए है, तो इसका मीन क्या होगा कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। देखें, ए और बी आपस में कब इक्वल होते हैं, ठीक है, जब ए क्या होगा वो लेस देन बी होगा, ठीक है। या अब कह सकते हैं कि ए हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन बी रख लें और बी को क्या रख लें, वो लेस देन ए रख लें, ठीक है। अब इन दोनों शर्तों में अगर हम ये दोनों केसेस किसी ए और बी पर अप्लाई होते हैं, इसका मतलब होगा कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका जो फोर का थर्ड है वो हमारे पास एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर होगा। अब है नेक्स्ट एमसीक्यूज फाइव, ट्रांजिटिविटी इज डिफाइंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू फील्ड, ठीक है। अब जो ये थी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी, वो कैसे डिफाइन होती है कि अगर a ग्रेटर देन b होगा एंड b ग्रेटर देन c, अगर a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c, इसका मतलब होगा जो a ग्रेटर देन c होगा, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन b होगा और b ग्रेटर देन c, मीनिंग कि a ग्रेटर देन c, तो जिसका जो a ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि सेट n जो होता है नेचुरल नंबर्स n, वन जो i है इंटीजर्स, ये क्या होते हैं, ये नॉट ऑर्डर फील्ड होते हैं, ऑर्डर फील्ड नहीं हो सकते, ठीक है, ना रियल फील्ड हो सकते हैं ना ये ऑर्डर फील्ड हो सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, नॉट ऑर्डर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर फील्ड क्या होता है, ऑर्डर फील्ड में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल देखें कि मैं कहता हूँ जो नेचुरल नंबर है ये ऑर्डर फील्ड नहीं है, ठीक है, नॉट ऑर्डर फील्ड, ठीक है, ऑर्डर फील्ड मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्डर फील्ड की। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं वन और थ्री लेता हूँ किससे, ये नेचुरल नंबर से लेता हूँ, तो इनका अगर मैं सम करता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या क्या करता है, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है। लेकिन ऑर्डर फील्ड में ये भी प्रॉपर्टी थी, एक ऑर्डर फील्ड में जीरो वाली प्रॉपर्टी भी है कि जीरो बिलोंग करना चाहिए जिस पर्सन। अब देखें कि यहाँ पर नेचुरल नंबर हम इसके लिए बात कर रहे हैं कि ये ऑर्डर फील्ड नहीं है, तो अब जो जीरो था
ऑर्डर फील्ड के लिए मेरे पास क्या होता है कि वो जीरो भी उस नंबर सिस्टम से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जीरो इस नंबर सिस्टम से बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप याद रखना कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ऑर्डर फील्ड का, तो उसमें आपने चेक हमेशा चेक करना कि अगर इसमें जीरो होगी तो तब वो ऑर्डर फील्ड बन जाएगा। अगर देखें आर जो रियल नंबर है, ये भी हमारे पास एक क्या ऑर्डर फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या ऑर्डर फील्ड है। इसके अलावा इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स, वो नॉट ऑर्डर फील्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास था वो क्या था, ये बी ऑप्शन था। नेक्स्ट एमसीक्यू 7, इफ आर ए बी बिलोंग टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब ए बी और हमारे पास दोनों क्या रैशनल है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारे पास क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल होती है। नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स विच ऑर्डर फील्ड, अब देखें कि सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी ऑर्डर फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि सेट ऑफ रियल नंबर्स ये भी ऑर्डर फील्ड है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। मैंने आपको बताया कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स ये भी ऑर्डर फील्ड होता है, रैशनल नंबर्स का सेट भी ऑर्डर फील्ड होता है, लेकिन इंटीजर्स का सेट जो होता है ऑर्डर फील्ड नहीं होता, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज है 9, कि द फॉलोइंग नंबर्स विच हैव नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो अब जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एडिशन का जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मल्टीपल या इसका जो मल्टीपल इनवर्स क्या होता है, कि अगर हम किसी भी नंबर में, अब जीरो में अगर मैं वन ऐड करता हूँ तो मेरे पास हमेशा क्या आता है, वन आता है। अब जो जो ये वाला वन है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या है, इनवर्स है, ठीक है ना। यानी अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या बनता है, वो वही नंबर रहता है जो जीरो, सॉरी इसमें जो जीरो होगा वो हमारे पास क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होगा। और जो अगर हम देखें कि मल्टीप्लाई के लिए तो उसमें हमारे पास क्या होता है, वन होता है, ठीक है। कि वन को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास वही नंबर रहता है, इसमें जो वन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगा और जीरो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास क्या होते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज के स्क्वायर रूट टू हैज नंबर, इसमें क्या होता है स्क्वायर रूट, आपको पता है कि इसमें हमेशा क्या आते हैं इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है। इसमें कौन से नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिंपली क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जाएगा फॉर एक्स वाई बिलोंग टू रैशनल नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी, उनकी क्या है कि एक्स लेस देन वाई देन ट्रू इज, अब ये उसमें प्रॉपर्टी बताई हुई है कि एक्स लेस देन वाई होता है, ठीक है। अब इसमें से हमने देखना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनता है, ठीक है। कि अगर हम क्या करते हैं, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी भी इनक्वालिटी में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर हमें जो प्रॉपर्टी गिवन है वो है कि एक्स लेस देन वाई गिवन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये भी इसका एक आंसर बन सकता है, देखते हैं वहाँ से कि हमारे पास पूरा आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर हमें ये वाला जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, ये हमारे पास का करेक्ट आंसर है कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लेस वाली अलामत है वो क्या होगी, वो ग्रेटर वाली है अलामत में चेंज हो जाएगी, सिंबल में चेंज हो जाएगी। तो सॉरी इसका जो बी वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फॉर एक्स वाई बिलोंग टू रियल इफ वन ओवर एक्स ग्रेटर देन वन ओवर वाई देन ट्रू इज, अब जो एक्स और वाई दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी यहाँ पर वो कह रहा है कि इसमें बी भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, तो देखते हैं कि कैसे उनका आंसर जो हमारे पास सही आता है। देखें अब हमारे पास गिवन क्या था, वन ओवर एक्स ग्रेटर देन वन ओवर वाई, तो हमें गिवन है कि वन ओवर एक्स ग्रेटर देन वन ओवर वाई, और इसमें जो एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल से, ठीक है। अब देखें कि अगर मैं मेरे पास पहले इसका उसने क्या कहा कि करेक्ट आंसर कौन सा है कि माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वाई, ठीक है। अब देखें कि
यहाँ पर अगर हम क्या कर दें कि x से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, पहला वन आ जाएगा, रिटर्न क्या बन जाएगा, ये x ओवर y, ठीक है। अगर मैं y को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या होगा कि y ग्रेटर देन क्या होगा, x हो जाएगा। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस वाई, अब ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा माइनस एक्स से, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जा सकता है कि माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वाई। तो हमने देखा कि एक आम आंसर ये भी निकाल लिया, इस तरह जो वाला सी वाला ऑप्शन है ये भी हम इसको इजिली यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है, ठीक है। तो हमने इसको भी प्रूफ किया है, इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, बोथ बी एंड सी ओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो बाकी जो नेक्स्ट सेंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।